वहीं गेहूं की कटाई के बाद अब खरीफ सीजन के लिए अगली फसल की तैयारी की जा रही है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि किसान अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। जांच करवाने के फायदे क्या हैं और क्यों जरूरी है ये जांच कराना, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के मिट्टी पानी जाँच केंद्र में रोजाना किसानों की ओर से लाई गई मिट्टी की जाँच की जाती है। एचएयू के वैज्ञानिक डॉक्टर आरएस अंतिल ने बताया कि जब हरियाणा बना तो प्रदेश में खाद्य उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा, लेकिन पिछले कुछ समय से उत्पादन काफी हद तक कम हुआ है। उसके प्रमुख कारण है कि लगातार जिस तरह की रासायनिक खादों का इस्तेमाल होता आ रहा है, उसकी वजह से उत्पादन काफी प्रभावित हुआ है। ऐसे में अगर किसान भाई अपनी मिट्टी पानी की जाँच करवा कर खेती करते हैं तो घटते उत्पादन को संभाला जा सकता है। अब जैसे किसान है, अभी आपके जो फील्ड है वो खाली है, तो किसान को सॉइल टेस्टिंग करवानी चाहिए। उपजाऊ शक्ति के लिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारा जो हल जाता है 6 इंच का लेयर बोलते हैं, 0 से 15 सेंटीमीटर। हमें जैसे एक किला कोई भी ले ले, उसमें से 8-10 जगह ऐसे वो लेकर 0 से 15 सेंटीमीटर सैंपल लेके उसको मिला लें और आधा किलो जो है आप उसका सैंपल बना कर, और जैसे हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वहाँ भेज दें, और हरियाणा गवर्नमेंट की भी लैब जो है तहसील और जिले पर है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपको मिट्टी में कौन से तत्व कितने डालने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी जमीन में जो उपजाऊ शक्ति, उससे हमें हो सकता है जो खाद हम रिकमेंड करते हैं उससे कम ही डालना पड़े, और पर्टिकुलर पता चल जाए कि किस तत्वों की कमी है। डॉक्टर अंतिल ने बताया कि खेत में से लगभग 4 से 6 जगहों से मिट्टी का सैंपल लिया जाता है, जिसके लिए लगभग 6 इंच की गहराई से मिट्टी ली जाती है। इस तरह किसान भाई लगभग आधा किलो मिट्टी लेकर इसकी जाँच करवा सकते हैं। इसके बाद ये साफ हो जाता है कि किसान को उनके खेत में किस प्रकार के खनिज की कमी है, उसे किस तरह से पूरा किया जा सकता है। ये मिट्टी तो हम ये बता देंगे भी इस मिट्टी में कितना आपको जिप्सम डालना है, तो आप फसल से पहले इसको जिप्सम को डालोगे तो उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरा, बागवानी के लिए हम 0 सेंटीमीटर मतलब 7 सैंपल लेते हैं, अपटू 2 मीटर तक हम जाते हैं, तो उससे अगर हमें क्या कहते हैं 3 साल में एटलीस्ट एक बारी जो है मिट्टी की जाँच करानी चाहिए। हरियाणा प्रदेश में सही मायने में खादों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं किसान भाइयों को कम उत्पादन की मार झेलनी पड़ती है। किसान भाई अगर आवश्यकता अनुसार खादों का प्रयोग करते हैं तो वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब तक पिछले 47 सालों में हमारी 7 गुना खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ चुकी है। पैदावार बढ़ी, उसके साथ कुछ समस्याएं भी, क्या हो रहा है, हमारी उपजाऊ शक्ति जो है कम होती जा रही है, और पिछले 10-20 साल से देखो तो पैदावार वहां की वहां खड़ी या वो घट रही है। इसलिए उसमें क्योंकि मुख्य कारण हमारा कार्बन कम हो रहा है, उधर से हम असंतुलित खादों का प्रयोग कर रहे हैं, उधर से जो है मतलब हम जो है न्यूट्रन निकाल ज्यादा है डाल कम रहे, इन सभी का सलूशन है अगर हम मिट्टी की जाँच करेंगे तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति क्या है। एचएयू ने पूरे प्रदेश का सर्वे करने पर पाया कि प्रदेश के खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा काफी कम है, और जिन स्थानों पर धान की फसल बोई जाती है वहाँ इसकी हालत और खराब होती जा रही है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वो आवश्यकता अनुसार ही खनिजों का प्रयोग करें। 3 मुख्य उद्देश्यों के लिए करते हैं, पहले जमीन की उपजाऊ शक्ति देखने के लिए, दूसरा जमीन आपकी कलर है या क्षारीय मिट्टी उसको देखने के लिए, और तीसरा बागवानी के लिए। कृषि में अच्छा उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि मिट्टी की जाँच के साथ साथ पानी की जाँच भी नियमित रूप से करवाई जाए। अगर पानी खारा है तो उसमें किस तरह की फसल का उत्पादन हो सकता है, अगर इस बात की जानकारी लेकर किसान भाई खेती करते हैं तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। कोई किसान भाई किसी कारणवश मिट्टी की जांच नहीं करा पाए तो हम उस, क्योंकि मिट्टी की जांच में हम बताते हैं कि आपको कौन कौन से खाद कितनी मात्रा में कौन सी फसल के कितना डाला, अगर वो मिट्टी की जांच नहीं करा पाए तो वो हमारी पैकेज एंड प्रैक्टिस है जिसको हम ग्रंथ बोलते हैं, उसमें ये लिखा गया कि आप कौन सी फसल में कितने खाद डालने चाहिए तो उसका सदुपयोग करें। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, असंतुलित खादों का प्रयोग हो रहा है। हरियाणा प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में काफी उन्नति की है, लेकिन अगर किसान भाई वैज्ञानिक विधि से खेती करते हैं, आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है तो खेती में काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए मिट्टी पानी की नियमित जांच करवा कर किसान भाई अपने उत्पाद को प्रभावित होने से बचा सकते हैं। फोकस हरियाणा के लिए हिसार से अशोक कुमार की रिपोर्ट।